हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तेरेंस आपके लिए लिख रहे है क्लास ट्वेल्थ की बुक विस्टास का चैप्टर नंबर वन द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ तो बच्चों अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप एक बार प्ले सेक्शन में जरूर चाहिएगा वहां पर आपको क्लास ट्वेल्थ की पोलिटिकल साइंस का कम्प्लीट मटीरियल अवेलेबल है ऐसे ही क्लास ट्वेल्थ की साइकोलॉजी ऐसे ही क्लास ट्वेल्थ की बिजनेस स्टडीज के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस अवेलेबल हैं और बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने लिखा है पार्ट टू इसका मतलब पार्ट वन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए वट इज चार्ली फाइंड अबाउट द रूम देयर जो चार्ली जो है वो कहते हैं मैं वहां एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां मुझे लगा कि ये एक अलग सी दुनिया है उसने रूम के बारे में क्या पाया रूम जो है बड़ा ब्यूटिफुल था बड़ा चीप था और सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया था और रूम जो है वो स्मॉलर था तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है रूम वॉज द इंफॉर्मेशन बूथ अब इंफॉर्मेशन बूथ के बारे में चार्ली ने क्या नोटिस किया इट वॉज इन द सेंटर इट वॉज मेड ऑफ वुड इट वॉज ओल्ड लुकिंग और ऑल ऑफ दीज तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज अब चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री के लिए वट वॉज द मैन सिटिंग इन द बूथ वॉस वियरिंग यानी जो उस बूथ में बैठा हुआ था आदमी उसने क्या पहना हुआ था इल ए ग्रीन आई शेड और अ डाबी हैट और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स और बोथ ए एन सी तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एन सी आप चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फोर के लिए वी चार्ली नोटिस अबाउट द लाइट देयर वहां पर जिस प्रकार की लाइट थी उसके बारे में चार्ली ने क्या नोट किया द लाइट वेम द लाइट्स वर फ्लिकिंग दे वर ओपन गैस फ्लेम लाइट्स और ऑल द एब तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है ऑल द एब आप चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव के लिए वेयर वर द ब्रास वेर जो ब्रास के बने हुए जैसे पान खाते हैं उसके बाद उसको हम स्पिट करते हैं तो वो कहां रखे हुए थे ऑन द शेल्फ इन द कॉर्नर ऑन द फ्लोर और बिहाइंड द डोर तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है ऑन द फ्लोर यानी जो ब्रास पिटून्स थे उनको फ्लोर पर रखा गया था फर्श पे रखे गए थे क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स है वट इज चार्ली नोटिस अबाउट द मैन पुलिंग आउट हिस्स वॉच फ्रॉम वेस्ट पॉकेट द वॉच मेड अप ऑफ मेटल जो वो वॉच थी वो किस मेटल की बनी हुई थी डायमंड की या फिर गोल्ड की या फिर सिल्वर की या फिर एक प्रेश स्टोन की और बच्चों करेक्ट आंसर है यहां पर गोल्ड यानी वो जो मेटल है गोल्ड की बनी हुई थी क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन में देखिए वट इज चार्ली नोटिस अबाउट द मैन पुलिंग आउट हिस्स गोल्ड वॉच फ्रॉम इज वेस्ट पॉकेट उसने उस आदमी के बारे में क्या नोटिस किया ही क्लैंस्ड एट हिस वॉच एंड फ्रॉन्ट यानी उस आदमी ने अपनी वॉच को देखा और फिर अपनी फ्रॉन्ट का मतलब होता है अपनी बोहे को ऊपर चढ़ाना आईब्रोज को ऊपर करना ही वोर ए डाबी हैट ही वोर ए ब्लैक फोर बटन सूट विपल्स और ऑल ऑफ दीज तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज अब चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी एट के लिए वट इजी नोटिस अबाउट लोकोमेटिव uh, जो वहां पर इंजन थे लोकोमेटिव उनके बारे में क्या नोटिस किया तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमेटिव इट हैड ए फनल शेप स्टैक और ओनली ए और बोथ ए एन सी अब फाइनल शेप क्या होता है आप आप सोच रहे होंगे बच्चों इसमें इसका मतलब होता है जो कीप की साइज uh, की जो चिमनी शेप होती है वैसा जो है और uh, अब आपको बताने करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी यानी एक स्मॉल कुरियर एंड आइस लोकोमोटिव था और साथ में फाइनल शिप स्टैक भी था अब चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन के लिए व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर पेपर चार्ली डिड नोटिस जो चार्ली ने वहां पे नोटिस किया तो बच्चों ऑप्शन है आपके सामने द विजन द वर्ल्ड द इकोनॉमिक वर्ल्ड और नन ऑफ दीज और बच्चों करेक्ट आंसर है यहां पर द वर्ल्ड अब चलते हैं क्वेश्चन थर्टी के लिए वट द लीड स्टोरी इन द न्यूज पेपर अबाउट जो उस न्यूज में लीड स्टोरी थी वो किसके बारे में थी इट वॉज अबाउट द थर्ड लेवल इट वॉज अबाउट प्रेजिडेंट रूजवेल्ट इट वॉज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड इट वॉज अबाउट प्राइम मिनिस्टर क्लीवलैंड तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अब चलते हैं क्वेश्चन थर्टी वन के लिए वट वाज द डेट मेंशन ऑन द न्यूज पेपर आपको बताना है उस न्यूज पेपर पर कौन सी डेट मैंशन थी तो लुक एट द ऑप्शन जून 11, 1894, जुलाई 11, 1894, अगस्त 11, 1994 और जून 12, 1894. फोर तो बच्चों जो डेट उस न्यूज़पेपर पर मेंशन थी वो थी जून 11, 1894. अब चलते हैं क्वेश्चन 32 के लिए फॉर होम डेट चार्ली वॉन्ट टू हैव टू टिकट चार्ली जो है गेल्सबर्ग गे पर की जो टिकट चाहता है दो टिकटें वो किसके लिए चाहता है अपने लिए और अपने फ्रेंड सैम के लिए अपने लिए और अपने बॉस के लिए अपने और अपनी वाइफ के लिए और अपने बेटे के लिए और वाइफ के लिए और बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है वो दो टिकटें चाहता था अपने और अपनी वाइफ के लिए अब चलते हैं क्वेश्चन थर्टी थ्री के लिए चार्ली हैड इनफ मनी टू बाय टू टिकट्स बट नो डाउट उसके पास पैसा था दो टिकटें खरीदने के लिए लेकिन एक प्रॉब्लम थी वो क्या थी ही डिडेंट वॉन्ट टू स्पेंड द मनी वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता या फिर उसने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया था या फिर ही कुड गो ओनली वन वे या फिर वो पैसा इतना था कि ए की साइड वो जा सकता था या फिर जो क्लर्क है ही वॉन्टेड हिम टू बाय थ्री टिकट्स या क्लर्क चाहता था कि वो कम से कम तीन टिकटें खरीदे तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिकॉज ही कुड गो ओनली वन वे उसके पास पैसा बस इतना ही था कि एक साइड जा सकता था वो अब चलते हैं क्वेश्चन थर्टी फोर के लिए हाउ मच मनी डे चार्ली विद्रॉ फ्रॉम द बैंक द नेक्स्ट डे चार्ली ने जो है कितना पैसा बैंक से विद्रो किया नेक्स्ट डे जब वो वापस अपनी रियल लाइफ में आता है टू हंड्रेड डॉलर थ्री हंड्रेड डॉलर फोर हंड्रेड डॉलर और फाइव हंड्रेड डॉलर तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है थ्री हंड्रेड डॉलर अब चलते हैं क्वेश्चन थर्टी फाइव के लिए वट वॉज द टाइम ऑफ द डे वेन चार्ली विजिटेड द बैंक आपको बताना है वो दिन का कौन सा वक्त था जब चार्ली जो है बैंक में विजिट किया जब उसने सुबह टेन ए एम इलेवन ए एम या इलेवन थर्टी ए एम या फिर एट लंच टाइम तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है एट लंच टाइम आप चलते हैं क्वेश्चन थर्टी सिक्स के लिए फ्रॉम वे वन कुड बाई द ओल्ड करेंसी नोट यानी ओल्ड करेंसी नोट आपको कहां से मिल सकते थे फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द स्पेशल स्टॉल फ्रॉम एनी कॉइन डीलर और नन ऑफ दीज

सैम 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 डगलस सैम सैम टिस्ट और सैम वरी तो बच्चों करेक्ट आंसर है सैम वीनर। अब आपको एक पल के लिए लगा होगा कि सैम जो है वो साइकेटिस्ट भी था बट आपको उसका नेम बताना है उसका प्रोफेशन नहीं बताना क्वेश्चन थर्टी नाइन है व्हाट डिज चार्ली लर्न अबाउट सैम विनर एट द कोइन स्टोर यानी क्वेन स्टोर पर जाकर सैम विनर के बारे में उसको क्या पता लगा

या फिर साकेटिस्ट का या फिर बोथ ही एन बी तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एन बी और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहां स्टॉप करूंगा सो आई होप सो दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू और सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग सर क्लासेज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल वेरी नाइस डे